तो गाइस शाम का अभी 5 बजने वाला है और फाइनली मैं घर में पहुंच गया हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं ऐसा जगह में फंस गया था, आगे जाने से पूरा फ्लड एरिया और गांव में जहाँ पे मैं गया था लास्ट, जहाँ पे अपने को वीडियो देखा था वहाँ पे तो एक हफ्ता से करंट ही नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मम्मी भी बहुत टेंशन है मैं था, तो सोचा कोई घर आ जाता हूँ, और घर पहुँच गया। और आते ही मेरा जितना सारा मतलब कपड़ा था, बैग सब भीग चुका था। और इस तरफ वहाँ पे कंबल, फिर वो स्लीपिंग बैग, यहाँ पे कपड़ा, गमछा, ये टी शर्ट और ये सब देखिए, यहाँ पे जितना भी कपड़ा दिखाई दे रहा है सब मेरा है, लेकिन दोबारा से धोने पर आए। और इस तरफ देखिए जूता, ये सब कपड़ा पूरा इतना ख़राब से बदबू मर रहा था ना। तो कैसे रहा मम्मी? मम्मी कैसे है आप? ठीक है? हाँ, बीमार थोड़ा सा हुआ था लेकिन अभी ठीक है। वो अच्छा, और कपड़ा दो धुआ ना, इतना ज़्यादा मिट्टी पूरा बदबू भी मार रहा था ना माँ, सेंट सेंट बदबू। हाँ पूरा मतलब बैग के अंदर था ना भीजा हुआ कपड़ा, बहुत खतरनाक से स्मेल मारने लगा था। और अभी मम्मी ये काम कर रहा है, ये जो फूल में देता है ना, हम लोग तो दुबूरी बोलते हैं, दुब। और इस तरफ छोटा भाई, छोटा भाई कैसा है खबर? अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा सही है। और ये क्या बनाएगा अभी? ये अभी ड्राई फ्रूट ओट्स। ओट्स? अच्छा, केले का जूस। ओके, चलो चलो खाते हैं बढ़िया से। और इस तरफ देखिए मम्मी लोगों ने ये गेट लगाया, वहाँ बढ़िया है, बेम्बू का है। तो गाइस इस तरफ देखिए ये केला और दूध, अभी छोटा भाई इससे शेक बनाएगा, मिल्क शेक। ये लाया था मशीन ना, ये भाई साहब। क्या है इसका अंदर? अंदर है सूखा चना। ओ, सूखा हुआ साना चना, सूखा हुआ चना। केला देंगे इसे, केला छील के। अच्छा, फिर दूध ना? फिर दूध देने पड़ेगा। सही है, चलिए बढ़िया से अभी खाता हो। इस तरफ रेडी हो चुका है बनाना चेक, तो अभी पीते चलिए। काफ़ी टेस्टी है, बहुत शक्ति, क्या बोलते हैं, ताकत वाला ये चीज़ है। लेकिन इसमें किशमिश और काजू ना, काजू भी देने, अभी तो दिया नहीं, ख़त्म हो गया है, बाद में लाके फिर देने पड़ेगा। हनी? अच्छा, हनी भी ऐड किया है इसमें। और शाम का ऐसा कुछ है नज़ारा, देख सकते हैं। आज तो खतरनाक वाला गर्मी दिया है और अभी सुबह का 11 बजने वाला है। और फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, और एक्चुअली सोचा था सुबह निकलूँगा लेकिन निकल नहीं पाया, अभी निकल रहा हूँ। खाना वाना खा लिया बढ़िया से। और इस तरफ छोटा भाई है पपन भाई, हेलो बोल दो। हेलो। और इस तरफ मम्मी भी है। मम्मी का अभी तबीयत थोड़ा ठीक है ना? ठीक है, कुछ दिन पहले थोड़ा ख़राब हो गया था। और अभी दरवाज़ा लॉक हो रहा है, अभी ऊपर तक जा रहा है। और ये सब सामान अभी कैरी करके लेके जाने पड़ेगा, पानी का बोतल भी साथ में ले रहा हूँ। पानी बोतल तो बैग में है। हाँ, और एक्चुअली मैं अभी मेरा स्कूटी लेके जाने वाला हूँ, ये जो नॉर्थ ईस्ट का सफ़र है स्कूटी से करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं घर में आया था। चलिए अभी चलता हूँ। और आज तो बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, आज का जो सफ़र है बहुत लंबा होगा, देखता हूँ कहाँ तक क्या पहुँच पाता हूँ, कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। एक्चुअली मेघालय होके पहुँचना है सिलचर, बहुत 300 किलोमीटर है, 300 से भी ज़्यादा है, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। चलिए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, और साइकिल जो है मेरा वो अगरतला में रखा हुआ है, वो भी मैं बाद में फिर मुझे लाने पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह मेरा एक्टिवा, और एक्टिवा में ऐसा कुछ सामान जितना है यहाँ पे रख दिया हूँ सामने में, देख सकते हैं। और इस तरफ हम भी लोग, ठीक है बाय बाय, अच्छा से रहना। और आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा रही है, देख सकते हो ना, पूरा ब्राइटनेस खतरनाक वाला गर्मी है। ठीक है मम्मी, चल बाय बाय। हाँ हाँ, चलो। पीछे थोड़ा सा ट्रैफिक था, अभी भी गुवाहाटी
सिटी के अंदर ही हो और बस निकल जाऊंगा गुवाहाटी सिटी को जल्दी क्रॉस करता हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी होकर रखा है और तेल भी भराने पड़ेगा, ऑयल वो तो मेघालय से भरा लूँगा। अभी सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके मेघालय पहुँच जाऊँ, वहाँ का वेदर तो एकदम मस्त होता है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी मेघालय का भी वेदर। तो गाइस अभी यहाँ से तेल भरा लिया, पेट्रोल था ही नहीं, टंकी फुल कर लिया। अभी दिखा रहा है 1045 किलोमीटर चल चुका है और फुल टंकी है। चलिए देखते हैं और कितना किलोमीटर चलेगा, कितना एवरेज होगा, माइलेज मिलेगा। चलिए माइलेज तो ज़्यादा नहीं रहता है, करीब 30 to 35 के अंदर मतलब मिल जाता है ये एक्टिवा में। फाइनली मेघालय में एंटर हो चुका हो और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेघालय का जो रास्ता है ना जिग जैग वाला, वो तो सबसे मस्त लगता है। और सराउंडिंग देख सकते हो, काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी मस्त। यहाँ पे भी थोड़ा सा गर्मी है शायद, और थोड़ा सा आगे जाने से ठंडा एरिया मिल जाएगा। चलिए धीरे धीरे से पहुँचता हूँ और यहाँ से सिलचर करीब 300 किलोमीटर जैसा है, देखता हूँ आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। ये 12 बजने वाला है, दोपहर का 12 बज चुका है और इसी पल का इंतज़ार था। मौसम जो है एकदम सुपर दुपर, पूरा ठंडा ठंडा फूल हो चुका है, पूरा एसी में जैसे हवा लगता है ना सामने से ऐसे हवा चल रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलते रहेंगे, टाइम लगेगा, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लेकिन धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। चलिए यहाँ से दुबई, मुझे दुबई होके जाना है, दुबई दिखा रहा है 124.9 किलोमीटर। गुवाहाटी में मौसम कैसा था और अभी मेघालय में देखिए कैसा मौसम होकर रखा है। आगे शायद बारिश मिल सकता है मुझे, बारिश मिलने से बैग को कवर करने पड़ेगा। और अभी नोंगपो यह जगह का नाम है, नोंगपो पहुंच गया हूँ। सराउंडिंग देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत। सामने बारिश दिखाई दे रहा है, सामने जो पहाड़ है ना वहाँ पर तो बारिश हो रहा है पक्का। तो गाइस फाइनली बारिश शुरू हो चुका है, देख सकते हो वो रहा रास्ता। और अभी यहाँ पे गैरेज दिखाई दिया मुझे, तो यहाँ पे स्कूटी रख दियो, अभी थोड़ा सा बारिश कमने का वेट करते हैं फिर निकलेंगे। तो गाइस देख सकते हो बारिश धीरे धीरे कितना ज़्यादा तेज़ हो गया है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। और अच्छा हुआ मुझे बढ़िया सा जगह मिल चुका है, नहीं तो जितना सामान बैग वग सब भीग जाता, बहुत ज़ोर से दे रहा है बारिश। सामने वो रास्ता है तो अभी यहाँ पर ही कुछ टाइम रुकने पड़ेगा, फिर चलेंगे आगे की ओर। बारिश थोड़ा सा अभी कम चुका है, बहुत ज़ोर से बारिश आया था, अभी हल्का हल्का सा हो रहा है बारिश, कोई नहीं, जोर से आने से कहीं फिर रुक जाएंगे। चलिए सफ़र बहुत लंबा है, बहुत दूर है, इसलिए जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि रेनकोट पहन लेता हूँ, क्योंकि बारिश जो है मतलब धीरे धीरे अभी थोड़ा सा ज़ोर से देने लग गया है, तो पूरा भीग रहा है उसके वजह से। और जूता है ना, जूता को अभी खोल के अंदर रख लेता हूँ। चलिए बैग का अंदर से जब तक रेनकोट निकला पूरा भीग चुका है बैग से, कोई नहीं। चलिए अभी रेनकोट निकल चुका है, अभी चप्पल भी पहन लियो, रेनकोट लगा के अभी चलता हूँ।
तो गाइस अभी मुझे देखिए पूरा रेनकोट लगा के अभी स्कूटी चला रहा हूँ। और मेघालय में ऐसे ही होता है, बारिश तो मिलेगा ही आपको और थोड़ा सा ना इन सब भी हो गया। पीछे जहाँ से आ रहा था इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था और जैसे ही कुछ दूर आगे आया इस तरफ देखिए बारिश का नामो निशान नहीं है भाई, ऐसा हालत। अभी जस्ट बूंदाबूंदी हो रहा है, चलिए पहुँचता हूँ। शायद और एक ट्रिपल लेने पड़ेगा अच्छा से पूरा। चलिए अभी कुछ टाइम रेनकोट लगा के चलता हूँ। चलिए यहाँ से जोवाई 80 किलोमीटर, सिलसर 232 किलोमीटर और शिलोंग के लिए 19 किलोमीटर आगे से राइट, मुझे सीधा ही जाने पड़ेगा। काफ़ी सुंदर जगह है, वहाँ पे है उमियम लेक, वो हल्का हल्का से दिखाई दे रहा है। गाइस एक बार व्यू चेक कीजिए, इतना खूबसूरत प्यारा व्यू है ना, ओ माय गॉड। और ये है मेघालय का पेडी फील्ड्स, धान का खेती। हल्का हल्का सा हवा चल रहा है, काफ़ी बढ़िया मज़ेदार क्या ही बोला जाए। और इस तरफ का भी देख सकते हो व्यू, पूरा मस्त जंगल पेड़। इस तरफ ये पेडी फील्ड्स, अभी मुझे यहाँ से जाना है जुआई होके सिलसर की ओर। भाई साहब चक्का पूरा गर्म हो गया, थोड़ा तो रेस्ट देने पड़ेगा। और मुझे देखिए अभी भी मैं रेनकोट पहन के रखा हूँ क्योंकि पता नहीं है कब बारिश हो जाता है यहाँ पे, उसके वजह से। जोवाई 44, सिलसर 201, आइजोल 375 किलोमीटर और है। और रास्ता देखिए पत्थरों को इस तरह से काट के रास्ता बनाया गया है, पत्थर भी है मिट्टी भी है। कलर देखिए वाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लैक है और काफ़ी बढ़िया रास्ता है। लेकिन ये हाईवे अभी तक तो अच्छा मिला है, आगे थोड़ा सा ख़राब रास्ता भी है सुनने को मिला है। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मुझे दोबारा फिर से यहाँ पे स्कूटी रुकाने पड़ा क्योंकि इतना प्यारा इतना खूबसूरत सा एक नदी मिल चुका है। ओ माय गॉड, ये देखिए सामने इतना प्यारा खूबसूरत, ओ वाओ मस्त लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और जो नदी में पत्थर है ना वो सब देख के तो और अच्छा लग रहा है। और सामने का पहाड़ देखिए भाई, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है ये तो। और ये रास्ता से ट्रक बहुत आना जाना करता है, सिलसर टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू सिलसर। ये रहा मेरा स्कूटी और इस तरह का भी नज़ारा देखिए भाई साहब, कितना क्लीन कितना साफा पानी है, देखिए बहुत ज़्यादा साफा पानी है। यहाँ से व्यू चेक कीजिए कितना मस्त दिख रहा है, वाह अल्टीमेट। 3:20 का समय हो चुका है और काफ़ी टाइम से स्कूटी चला रहा हूँ और हेलमेट भी काफ़ी टाइम से पहन के रखा हूँ ना, पूरा सर खुजने लगा है। और अभी यहाँ पे रख दिया स्कूटी और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पॉइंट संग वैली। दुकान तो अभी बंद है लेकिन खूबसूरत सा एक व्यू पॉइंट देखने को मिला है, तो सोचा आप लोगों को दिखाते। देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा ये व्यू, ऐसा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत। वो तो पेडी फील से ग्रीन ग्रीन, और उस तरफ का जो पहाड़ है ना पूरा नागालैंड का जो जुको भी लिया ना ऐसा टाइप का लग रहा है थोड़ा थोड़ा, काफ़ी बढ़िया है। और पूरा पहाड़ों के अंदर अंदर से रास्ता है, अप डाउन लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जुआई पहुंचने वालों, जुआई यहाँ से और 20 किलोमीटर जैसा है लेकिन उससे पहले मेरा रास्ता और अलग हो जाएगा सिलसर के लिए, नेशनल हाईवे 6। बारिश शायद दोबारा फिर से आने वाला है और अभी जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना अभी तक का सबसे मस्त सबसे ब्यूटीफुल वाला व्यू देखिए।
है ना लाजवाब। इस तरफ देखिए बादल कैसे काला होकर रखा है, ऐसा। और अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है, एक दुकान मिल चुका है यहाँ पे, अभी खाने के लिए पूरी है, सब्जी है, तो पूरी सब्जी खाता हूँ। चलिए ऐसा कुछ है दुकान यहाँ पे, पूरी सब्जी, ओके। चलिए ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल है रे, ऑयल बहुत है। चलिए खा लेता हूँ। अच्छा ये बेम्बू का है ना, बेम्बू का अचार है, पिकल, तो अभी खाता हूँ। चलिए अभी 5 बजने वाला है और 20 मिनट बाकी है, और रास्ते में इतना सुंदर सुंदर जगह देखने को मिल रहे हैं ना, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखा रहे, तो काफ़ी बढ़िया सुंदर जगह है। जो पहाड़ है ना, पहाड़ इतना खूबसूरत, प्यारा पहाड़ देख सकते, कितना प्यारा दिख रहा है हिल्स। ओ वाह, ओशम लवली, और वहाँ पे घर भी है देखिए, इतना प्यारा, ओ माय गॉड। चलिए अभी जल्दी जल्दी चलता हूँ, अंधेरा हो जाएगा और कुछ टाइम बाद, तो कवर करता हूँ जितना हो सके। चलिए रास्ता अभी थोड़ा सा टूटा फूटा जैसा है, इसलिए धीरे धीरे ही जाने पड़ेगा। चलिए मेघालय में जो सनसेट होता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत दिखता है। ये रहा मेघालय का सनसेट का व्यू, और पहाड़ भी काफ़ी खूबसूरत है, छोटा छोटा टापू जैसा बना हुआ रहता है। और अभी शाम का 5:30 बज चुका है, और मुझे 130 किलोमीटर जाना है, फिर मैं पहुंच जाऊंगा सिलचर, तो देखते हैं क्या होता है, कहां तक पहुंच पाता हूं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट अ सनसेट व्यू, वाओ। तो गाइस शाम का अभी 7 बज चुका है, और सच बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है ना, क्या ही बोला जाए, पूरा मतलब चला ही नहीं सक रहा हूँ, इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता मिला है भाई, पूरा रास्ता टूटा फूटा, और ट्रक और इतना धूल आ रहा है ना, क्या बोलेगा भाई साहब, पूरा हालत खराब दिया। चलिए अभी धीरे धीरे करके पहुँचता हूँ। 7:30 बज चुका है, और सच में इतना ज़्यादा गंदा रास्ता, मतलब ख़तरनाक क्या ही बोला जाए, पूरा ट्रक फंसा हुआ है, ऐसा रास्ता कभी नहीं देखा था भाई, पूरा हालत ख़राब हो गया। इतना रिक्स है ना भाई। तो गाइस रात का अभी 11 बज चुका है, और फाइनली मैं पहुंच गया बदरपुर। भाई साहब थोड़ा सा रास्ते के बारे में पहले बोलता हूँ, जो शिलंग से मतलब सिलचर वाला रोड है मेघालय होके जो आता है, इतना खराब रास्ता मैंने कभी नहीं देखा था, इतना ज़्यादा खराब रास्ता, जगह जगह में पूरा ट्रक गिरा हुआ है, और जो फ्लाईओवर है वो भी टूटने वाला है, मतलब रास्ता पूरा डाउन, पूरा आप मतलब गाड़ी चलाना ही मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी को ऑफ रोडिंग करना है तो ये रास्ता में आने से पता लगेगा कैसा रास्ता है भाई, जैसे तैसे करके इतना हालत खराब हो गया ना, और इतना धूल, आज का ज़्यादा धूल मुझे पहले कभी नहीं मिला था भाई, इतना ज़्यादा धूल आज खा खा के पूरा बदन में लगा के आया। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अभी नहाऊंगा, उससे पहले एक होटल रूम लिया हूँ बदरपुर में, छोटा सा रूम है देख सकते हो, ज़्यादा रेंट नहीं लिया इसका, 250 रुपया लिया है, और बाकी ये सब हालत, अभी तो मैंने धोया हाथ उथ का हालत देखिए ना, ये सब पूरा पाउडर उधर लग गया, और ये जो मैंने तो रेनकोट पहन के रखा था ना, रेनकोट का हालत भाई साहब पूरा पूरा वो हो गया, धूल धूल हो गया भाई,
और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा था, कहाँ गया, अरे अरे रेनकोट के अंदर ना एक लीच आ गया था, लीच अभी तो मिल नहीं रहा है, देखने पड़ेगा भाई, खतरनाक चीज़ है ये, कहाँ जंगल जंगल से होके आया, पूरा गंदा हो गया सब। अब ये सब को धोना है बढ़िया से, और बेगू का हालत भी पूरा ख़राब हो गया है, टेंट पूरा हर जगह इतना धूल भाई क्या बोले, और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ आज, लगभग 300 किलोमीटर होने वाला है आज, बहुत मतलब स्कूटी चला लिया। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय हो, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं रेनकोट वगैरह धो रहा हूँ, और मैं जो बोला था ना लीच, ये देखिए, ये देखिए लीच भाई साहब, ये इसमें था, ये पेंट का अंदर भाई साहब, अभी मुझे चेक करने पड़ेगा पूरा बदन, पता नहीं कहाँ से घुस गया, कहाँ पूरा जंगल जंगल से गाड़ी घुसे के लाया ना, रास्ता ही नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रक पूरा भरती, क्या बोला ये। चलिए अभी इसको हटा देता हूँ कहीं पे, ये रहा लीची।